अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, S65A की डिटेल रिव्यू करेंगे। HDMI इसमें जी 2 हैं, 1.4 विजन के साथ, USB एक पोर्ट है, 2.0 3 बॉर्डरलेस डिज़ाइन है। और आगे इसकी आपको कंप्लीट रिव्यू डिटेल करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन भाइयों ने नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहें, लाते रहें और नए से नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो जिसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो गाइड करूँगा, इसमें फीचर्स वाइज सारी चीज़ें, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ब्लूटूथ है इसमें बिल्ट इन, वायरलेस हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, साउंड सिस्टम, कुछ स्पीकर्स अटैच करने हैं, ईजिली अटैच कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात कर लें तो 9.0 है, साथ साथ मैं इसका सेटअप भी कंप्लीट करता जाता हूँ। तो ये वाईफाई अटैच कर रहा हूँ, जब भी आपने इसकी जो है वो न्यू जो यूनिट है उसको लाजमी वाईफाई से अटैच करें ताकि जो है वो उसकी अपडेट हो जाए, वर्जन जो एप्लीकेशन अपडेट होने वाली हैं। HDR है जी, HDR का फ़र्क भी साथ साथ आपको इस दफ़ा वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये फ़र्क है जी, HDR लेफ्ट साइड और राइट साइड में पिक्चर में आपने डिटेल में देख लिया। हाई डायनेमिक रेंज बोलते हैं बेसिकली, जो पिक्चर को इन्हेंस करता है, कलर रिच कलर आपको दिखा देता है। माइक्रो डिमिंग भी है जी, वो भी कलर्स को बेहतर करने के लिए, डार्क एरियाज को बेहतर करने के लिए, वो भी पिक्चर मैंने आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी इस दफ़ा दे रहा हूँ। तो और रिमोट वॉइस कमांड वाला रिमोट है जी, वॉइस सर्च का ऑप्शन है उसमें, ओके और बैक का बटन प्लस जो है, मतलब उन दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपका रिमोट अटैच हो जाता है उसके साथ, उसके बाद आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अटैच नहीं करते हैं तो फिर उसमें जो वॉइस कमांड वाला फीचर यूज़ नहीं होगा, वो जब तक आप रिमोट को ब्लूटूथ से अटैच नहीं करेंगे तब तक जो है वो नहीं होगा। अच्छा, कलर स्कीम की बात कर लें तो ये रिज़ल्ट आपके सामने, S65A के कलर काफ़ी अच्छे हैं। बेसिक मॉडल जो इनका था पहले S65100, उससे इसके कलर थोड़े से बेहतर हैं। और बाकी फ़ीचर वाइज अगर बात कर लें तो S65100 और S65A में फ़ीचर आलमोस्ट सेम ही है। वॉइस सर्च ऑलरेडी मैंने जैसे आपको गाइड किया है, इसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन है, ये वॉइस सर्च वाला रिमोट भी मैंने आपको दिखा दिया साथ। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो कलर स्कीम नो डाउट बहुत ही कमाल कलर है इसके। अब इसमें इंटरनेट की ब्राउजिंग स्पीड वगैरह भी मैं आपको चेक करवा दूंगा यूट्यूब पे। Dolby ऑडियो है जिसकी वजह से ऑडियो जो है वो भी इसकी काफ़ी बेहतर है, वो इनहेंस्ड है, मतलब बिल्कुल जो है वो नहीं है चाइना की टीवियों की तरह, आपको क्लियर साउंड मिल जाता है इसमें। और इसके रिज़ल्ट की बात कर लें, क्योंकि मैं 40 इंच का रिव्यू कर रहा हूं तो ये 1080 फुल HD है, अगर 32 में आप लेंगे तो वो 720 होगा, वो HD रेडी TV होगा। 8GB इसके अंदर स्टोरेज है जिसमें आप एडिशनल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स पूछते हैं जी इसमें कि वीडियोज़ भी डाउनलोड हो जाएंगी, तो जी इसमें वीडियोज़ बिल्कुल डाउनलोड नहीं होती, जस्ट आप एडिशनल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। पावर कंजम्पशन की बात कर लें तो 75 वाट्स है इसकी, मैक्सिमम स्टैंड बाय पे जो है वो 0.5 वाट होगी। ये यूट्यूब पे मैंने इसको प्ले कर दिया जी, यूट्यूब पे ये डेमो चल रहा है। कलर स्कीम आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल ज़बरदस्त क्लियर कलर है। ओवरऑल नंबरिंग की बात कर लें जी, तो 10/10 इसको मिलेंगे बेसिक मॉडल में, इस वक्त टॉप वेरिएंट है, बाकी सभी ब्रांड्स में ओरिएंट, हायर, चेंगोंग, उन सब में बेहतर जा रहा है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।